जॉय सनस्क्रीन लोशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हेड। आज मैं प्रियंका इस जॉय सनस्क्रीन लोशन का रिव्यू करने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपको इस जॉय सनस्क्रीन लोशन की पूरी नॉलेज मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हेड को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ये है जॉय सनस्क्रीन यूवी प्रोटेक्ट लोशन। ये 3 लेयर प्रोटेक्शन देता है, एंटी रिंकल, एंटी डार्कनिंग और यूवी प्रोटेक्टर। इसमें लिखा है कि ये पूरे दिन सन से डिफेंस प्रोवाइड करता है और इसमें यूवी फिल्टर्स हैं विद लिकोरिस एंड ग्रेप सीड। इस पर मेंशन है कि ये लोशन स्वेट फ्री है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये मल्टी केयर सन ग्लो लोशन है जो सन से प्रोटेक्शन देता है और इसमें यूवी फिल्टर्स हैं और आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी स्किन को बेस्ट प्रोटेक्शन मिले, जितने भी यूवी रेज से डैमेज हो गया है वो सब। और साथ में इस पर मेंशन है कि ये स्किन को प्री मैच्योर एजिंग से भी बचाता है और स्किन को डार्कन होने से भी बचाता है। और ये बॉडी लोशन ऑयल फ्री है और बहुत ही लाइट वेट है। ये सारी चीज़ें तो इस पर मेंशन थी और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इस पर डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, फिर भी मैं आपको इसको अप्लाई करना बता दूंगी। साथ में ये इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो यहाँ से आप सारे इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पर वैसे तो स्किन टाइप मेंशन नहीं किया हुआ है, बट ये हर एक स्किन टाइप को सूट आ जाता है। बात करें इसकी पैकेजिंग की तो ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग और सॉलिड पैकेजिंग में आपको मिलता है और फ्लिप टॉप इसकी ओपनिंग है, तो ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और प्रोडक्ट इसमें से लीक नहीं होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये वाइट कलर का ऐसे लोशन है और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है इसमें। आप इसको अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए, जब तक कि ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए, तो अच्छे से मसाज करते हुए थोड़ा सा आपको इसको स्किन में एब्जॉर्ब करना है। तो मैंने इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है स्किन में और ये वाकई ही बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ फिनिश मेरी स्किन को दी है और बहुत ही लाइट वेट ये सच में है। और हाँ, ये इसकी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल फील हो रहा है। आपको धूप में जाने से आधा घंटे पहले इसको स्किन पर अप्लाई करना है, फिर ही कहीं बाहर जाइए। आपको इसको आइस से बचाकर ही लगाना है, प्रोडक्ट आपकी आइज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी प्रोडक्ट आइज में चला गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होगी और आपको इस लोशन को हर 3-4 घंटे बाद रीअप्लाई करना पड़ेगा। और इसको यूज़ करने के बाद मेरे को स्किन पर कोई भी ईचिंग नहीं हुई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस क्रिएट हो गई है। बाकी अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। अगर आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से कोई ईचिंग होती है या रैशेज हो जाते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को तभी के तभी छोड़ देना चाहिए, इसको यूज़ मत कीजिएगा। बिकॉज किसी किसी की स्किन को कोई प्रोडक्ट सूट नहीं भी आता है, तो इसलिए आपको अगर ये सिर्फ ट्राई करने के लिए लेना है तो आप इसकी छोटी पैकेजिंग लेकर उससे ट्राई कर लीजिएगा, अगर सूट आता है तभी आप बड़ी पैकेजिंग लीजिएगा। इस सनस्क्रीन लोशन का प्राइस है 115 रुपीज़, इसकी शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 100 ml। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये ठीक ठाक प्रोडक्ट है। अगर आप जनरली एक ठीक सा सनस्क्रीन लोशन लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सनस्क्रीन लोशन कौन सा है। तो ये था मेरा आज का जॉय का सनस्क्रीन लोशन का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ में अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे मेरी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ऐसी और वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।